नमस्ते दोस्तों, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपको मनाली की सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको घुमाते हैं जी भर के। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, बर्फ और हरियाली से ढके पहाड़, बेहतरीन झरने लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको मनाली की सबसे खूबसूरत और अनदेखी जगहों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप मनाली आएंगे तो आपको यहाँ की मॉल रोड घूमना होगा। मनाली की मॉल रोड पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप अच्छे अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। मॉल रोड के पास में ही है मनाली का वन विहार, जो सुकून और शांति से बिताने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ घूमने के बाद आप हिडिम्बा देवी मंदिर जाएंगे। ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। हिडिम्बा 5 पांडवों में से एक भीम की पत्नी थी। ये मंदिर हिमाचल के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद आप निकल जाइए ओल्ड मनाली। नए मनाली से करीब 3 किलोमीटर दूर बसा है ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली काफी साफ सुथरा है और यहाँ आपको शांति का खूब अच्छा एहसास होगा। ओल्ड मनाली से पूरे मनाली का ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। घुमावदार सड़कों और बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा ओल्ड मनाली बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ओल्ड मनाली से 500 मीटर दूर पड़ता है मनु टेम्पल। मनु टेम्पल राजा मनु को समर्पित है, जिन्हें हम मनु ऋषि के नाम से जानते हैं। मनु ऋषि के नाम पर ही मनाली का नामकरण हुआ था। ये मंदिर खास पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। ये मंदिर देखने में बहुत ही अद्भुत है। बरोड परसा वाटरफॉल, ये मनाली का एक खूबसूरत वाटरफॉल है जो अभी तक लोगों की पहुंच से दूर है। ये वाटरफॉल मनाली से कन्याल रोड पर लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। मनाली आने वाले ज़्यादातर लोग इस वाटरफॉल के बारे में नहीं जानते हैं। ये वाटरफॉल 2 गांव बरोड और परसा को डिवाइड करता है। इस वाटरफॉल को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। इस वाटरफॉल के अलावा आप जाना वाटरफॉल घूमने जा सकते हैं, जो जाना गांव में पड़ता है। मनाली से जाना गांव करीब 32 किलोमीटर दूर है। ये वाटरफॉल भी आपका दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वशिष्ठ गांव, ये गांव मनाली से करीब 4 किलोमीटर दूर है। इस गांव का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर पड़ा है और यहाँ महर्षि वशिष्ठ का एक भव्य मंदिर भी है। आपको बता दें कि महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के कुलगुरु के रूप में जाने जाते हैं। वशिष्ठ मंदिर के पास में ही गर्म पानी का कुंड है, जहां लोग स्नान करके दर्शन करते हैं। माना जाता है कि वशिष्ठ मंदिर 4000 साल से ज्यादा पुराना है। वशिष्ठ गांव से ही जाता है जोगिनी वाटरफॉल का रास्ता। ये वाटरफॉल एकदम शांत जगह पर है, जो आपको अपना दीवाना बना देगी। इस वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे की ट्रैकिंग करनी होती है। मनाली से 14 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसा है एक छोटा सा बेहद ही खूबसूरत सेथन गांव। इस गांव को इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। 20 घरों वाला यह बुद्धिस्ट विलेज बहुत ही आकर्षक है। यह जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। सेथन विलेज लोगों के बीच इसलिए ज्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि यहाँ इग्लू होटल हैं, जो पूरी तरह से बर्फ से बने होते हैं। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपको सेथन विलेज आकर इसका एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। वाकई ये जगह बहुत ही एडवेंचर से भरी है। रोहतांग पास, जो मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। अटल टनल बनने से पहले इसी पास से होकर लाहौल स्पीति और लेह के लिए रास्ता जाता था, लेकिन अटल टनल बनने के बाद ये पास केवल टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ आपको बता दें कि मनाली आने वालों के लिए अटल टनल भी घूमने का बेहतरीन ऑप्शन है। अटल टनल के पास में ही पड़ता है शिशु विलेज, जो मनाली से 40 किलोमीटर दूर है। शिशु विलेज चंद्रा नदी के किनारे लाहौल घाटी में बसा हुआ है। कहते हैं कि शिशु विलेज किसी जन्नत से कम नहीं है। शिशु विलेज में आप शिशु वाटरफॉल घूमने जा सकते हैं, जो काफी मनमोहक है। इसके अलावा आप शिशु लेक भी जा सकते हैं, जो बेहद ही खूबसूरत है। ये जगह भी दूसरी जगहों की तरह आपका दिल जीत लेगी। यहाँ आकर आप राफ्टिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है मनाली में सबसे फेमस सोलंग वैली की। भारत के ब्यूटीफुल रास्तों से गुजरते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं। सोलंग वैली को मनाली की हार्ट बीट कहा जाता है। सोलंग वैली अपने प्राकृतिक नज़ारों और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ आकर आप माउंटेन बाइकिंग, गंडोला राइड, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्केटिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सोलंग वैली से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है अंजनी महादेव का मंदिर। ये जगह हनुमान जी की मां अंजनी की तपोस्थली मानी जाती है, इसीलिए ही शिवलिंग का नाम अंजनी महादेव पड़ा है। सर्दियों के मौसम में यहाँ की शिवलिंग करीब 30 से 40 फुट ऊंची हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि धरती पर भगवान का बर्फ से बनने वाला ये दूसरा शिवलिंग है। इसके अलावा केवल अमरनाथ जी में महादेव बाबा बर्फानी बनकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अंजनी महादेव का नज़ारा हर मौसम में अलग अलग होता है। अगर आप सावन के महीने में यहाँ आएंगे तो आप यहाँ हरियाली से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पाएंगे। इन सब जगहों के अलावा अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपके पास टाइम है तो आप कुल्लू घूमने जा सकते हैं। कुल्लू में नंगर पैलेस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप मणिकरण शिव मंदिर घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। आपको बता दें कि हम हाल ही में मनाली के टूर पर गए थे। इस ट्रिप के सभी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, वहां आपको इस ट्रिप की सारी जानकारी मिल जाएगी। हमने ये ट्रिप कैसे किया, कितने सस्ते में किया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। खैर, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।